अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? यस आई थिंक सो, आई एम ऑडिबल। चलें जी। कहाँ थे भाई हम लास्ट क्लास में? हाँ हाँ एक्सपर्ट, यस एक्सपर्ट वाली बात हम देख रहे थे, जो हमें क्लास खत्म करनी पड़ गई थी। तो आज वहीं से आगाज करेंगे। ग्रुप में जरा मैसेज कर दें सबको, जो जो ज्वाइन करना चाह रहे जल्दी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है इस वक्त बहुत भरा हुआ है, लेकिन पार्टिसिपेशन लेवल अभी भी बहुत कम है। तो सब जो है वो रिजल्ट के बाद क्या होता है कि सारे इमोशनल हो जाते हैं, कि हम ये करेंगे वो सब कुछ ही भुला देंगे और सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश उड़ा देंगे। अगर अभी अटैम्प में फेल हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। तो इस तरह की बातें जो है ना वो बहुत हो रही होती है, लेकिन फिर एक्चुअल क्या होता है, वही जैसे मैंने कहा कि एक हफ्ता गुजरता है, दो हफ्ते गुजरते हैं, तो चीजें जो है ना वो ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत ही इमोशनल किस्म के मैसेज आते हैं, सर मैं ये कर लूंगा, सर मैं वो कर लूंगा, सर आपको नहीं पता है मैंने कितनी मुश्किलें सही हैं और क्या मैंने देखा है क्या नहीं देखा, सर आप नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत की है। भैया आ तो जाओ, क्लास अटेंड नहीं करनी अटेंड नहीं करो, जो डेली क्विज ले रहा हूँ वो तो अटेंड करो। बस ग्रुप ज्वाइन करके लोग जो है ना वो कुछ मिला के जो है ना सो गए आराम से मजे में, यार चलो ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया ना, एक तसल्ली हो गई है, एक जगह पर हम आ गए। आप क्या होगा, हम जब भी आंसर लिख के भेजेंगे किसी सवाल में कोई मसला होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम वापस जो है ना वो ग्रुप पे मैसेज करना शुरू कर देंगे, एग्जाम से एक महीने पहले एक्टिवेट हो जाएगा। सुन लो एक बात जो है ना वो जरा गौर से सुन लो मुसलमानों, बात यह है कि अभी आप अगर वो लोग स्पेसिफिकली जो इस क्लास में भी है और ग्रुप में भी है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देख रहे होंगे और जो लेक्चर नहीं देख रहे सिर्फ क्विज के लिए इस ग्रुप के अंदर आए, तो देखो मुझे कोई इश्यू नहीं है। जिस सीक्वेंस से आप लोग सवालों के जवाब दोगे मैं उसी सीक्वेंस से आपके सवालों के जवाब चेक करूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मेरी क्लास का बच्चा एक रेगुलर पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, जो बच्चा को इसका जवाब देगा मेरा 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 मुझे चेक करना उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसको फीडबैक देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ली है। जहां तक बात रही कि अभी आप लोग जो है वो अभी ग्रुप में कोई 200 के करीब बच्चा हो चुका है और क्विज के अंदर पार्टिसिपेट सिर्फ 3 से 4 लोग कर रहे हैं, इवन वो बच्चे भी जो रेगुलरली क्लास में आ रहे हैं। बच्चों जब तक आपके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और रेगुलरली आप आंसर करो क्विज के, और अगर आप आंसर नहीं करते हो तो एक स्टेप जो है ना आप मिस कर जाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जो है ना काफी थिंकिंग करता हूँ, जाहिर सी बात है अपने पिछले बैचेस भी मैं देखता हूँ कि वो किस तरीके से गए और कोशिश करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट लाई जाए ताकि आप लोगों की जिंदगी आसान रहे। तो पिछले बैच में मैंने ये चीज की थी क्विज वाली, लेकिन बच्चों का पार्टिसिपेशन उसके अंदर नहीं था, मुझे वो अनफॉर्चुनेटली चीज ड्रॉप करनी पड़ी। ठीक है, तो इस बार मैंने वो चीज शुरू की है कि मैं क्विज फेंकूँ कभी डेली कभी एक दिन का गैप मैक्सिमम, इस तरह से होती है चीजें, लेकिन ये कि आपको वो चीज मिल जाती है, आपको वो फ्लेवर मिल जाता है। लेकिन देखो आप अगर क्विज अटेम्प्ट नहीं करोगे फिर टाइमली बेसिस पे, तो फिर जो भी बच्चे ये देख रहे हैं फिर रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहे हैं बाद में, फिर जब मेरी बारी आएगी ना, जब आपके एग्जाम का टाइम होगा करीब 1 महीना रह जाएगा, 15 दिन रह जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे, चांद रात आ जाएगी पेपर की, मैं जवाब नहीं दूंगा। सही है, मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरी कोशिश ही यही होती है कि भाई आपको मैं इस तरह का लेक्चर दूं, आपको मैं इस तरह के क्वेश्चंस कराऊं कि आप लोगों की जिंदगी आसान हो और आप लोग एक दूसरे की खुद हेल्प कर सकें, जो टॉपिक कवर करा दिया खुद एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो अगर वो लेवल अचीव नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, और खास तौर से वो बच्चे जिन्होंने पिछली
अटेम्प्ट में मुझसे पढ़ा हुआ है, उन्होंने तो सारे लेक्चर्स देखे मैं, ठीक है, तो उन पे और ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है इस चीज को लीड करने की, कि भाई हम क्विज करेंगे और हम जो है ना वो देंगे। देखिए सॉरी से कुछ नहीं होगा, सॉरी से देखें आपका नुकसान है और आपका ही फायदा है, दोनों चीजें आपकी हैं, मेरा जो है ना वो कुछ नहीं जाता। सही है, तो मेरा तो लॉस है ही नहीं भाई, मैं अगर करने के लिए बैठा हूँ चेक करने के लिए, अब एक बच्चे ने अगर जवाब दिया है, दो बच्चे ने दिया, तीन बच्चे ने दिए, चार इवन 10 भी हैं, मैंने तो चेक करना है, ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो मेरा नुकसान है, उल्टा के टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो भाई ये चीज है, आप लोग देख लें, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों का पेपर है, आपका पेपर आपकी मर्जी, ऐसा है। तो वैसा आप लोग डिसाइड करें, वैसा फिर कर लेंगे, क्यों मसला नहीं है। अच्छा जी, तो ग्रुप पे मैसेज कर दें भाई, क्लास स्टार्ट हो रही है, हो गई है, और जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत भारी नुकसान होने वाला है, आज की क्लास बहुत हैवी वेट होने वाली है, तो मिस ना करें। 3 घंटे की क्लास रखी जाती है, किसी मकसद से रखी जाती है। जी जल्दी से ग्रुप में मैसेज चला दो यार, जल्दी से चला दो ग्रुप में, रहेगा, और क्लास जो है ना बहुत तबाही चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर ने क्लास में स्टार्ट कर दी, इस तरह डरा दे लोगों को। ठीक है चलेंगे, शेयर करते हैं अपने लास्ट क्लास की जो चीजें थी वो शेयर करते हैं भाई, और वहीं से बातों को शुरू करते हैं। आई होपफुल के स्क्रीन सबको विजिबल है अब। जबरदस्त, चले जी, यहां पर हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाली, ठीक है, एक्सपर्ट की बात कहाँ से आई थी भाई, कोई है क्लास में जो जैसे पिछली क्लास ली और थोड़ा सा हमें एक रिवीजन करवा सके, कि एक्सपर्ट की बात कहाँ से आई थी लास्ट क्लास में। जी एनीवन, जी कोई है भाई बता सके हमें, तेल की वैल्यूएशन भाई, कोई मुनासिब तुम अल्फाज यूज नहीं कर सकते क्या है, तेल की वैल्यूएशन, पीएसओ की इन्वेंटरी के बारे में बात कर रहे थे हम, सही है, तेल की वैल्यूएशन। अच्छा भाई, तो अच्छा, हमने पढ़ा कि यार इफ इंफॉर्मेशन यूज्ड एज अ ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, द ऑडिटर शैल टू द एक्सटेंट नेसेसरी हैविंग रिगार्ड टू सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क फॉर द ऑडिटर पर्पस इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एक्सपर्ट, भाई इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग हम कहां से लें। तो हमने कहा भाई अगर उस एक्सपर्ट के साथ आपने प्रीवियसली काम किया है, यू हैव
been engaged with that expert वॉइस सेलेक्ट कर रही है। चले जी, क्लियर है? आवाज सही है भाई? चलो जबरदस्त। हमने कहा कि यार अगर एक्सपर्ट ने कोई इंफॉर्मेशन बनाई है, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ फिगर्स अगर इफेक्ट हो रही हैं, और आपने एक्सपर्ट का अगर काम यूज करना है, तो आपने कुछ बातों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कुछ बातें आपने जरा गौर से देख लेनी है। क्या? एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को आपने देखना है, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और अप्रोप्रिएटनेस देखनी है कि जो अजर्शन है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। लाइक अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन की, ठीक है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है ना, फेयर वैल्यूएशन, तो भाई वैल्यूएशन की अजर्शन ज्यादातर वैल्यूएशन के लिए ही चीजें यूज होती है। तो क्या वैल्यूएशन के लिए आपको सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक है, आपने वो चीज असेस करनी है। सर मैं किस तरीके से उसके कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूँ? सर स्टैंडर्ड ने आपको कुछ बातें बताई हैं और आईकैप भी आपसे डिट्टो उठा के एग्जाम में पूछ सकता है। रट्टा लगाना हो रट्टा लगा लेना। सर नंबर वन कि आपने उस एक्सपर्ट के साथ प्रीवियसली काम किया होगा, उस असाइनमेंट पे, उस ऑडिट पे पिछले साल का एक्सपीरियंस होगा, फर्म में किसी ने काम किया होगा, तो सर आप एक्सपीरियंस को यूज कर लें और देख लें क्या वो कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है। उस एक्सपर्ट से बात करके देख लें, डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट। भाई आपके किसी और कुलीग ने, किसी और ऑडिटर ने, किसी और जानने वाले ने उस एक्सपर्ट के साथ अगर काम किया है, ठीक है, तो आप उसके साथ बैठ जाएं और डिस्कस कर लें, उसके साथ बैठ जाएं और डिस्कस कर लें कि भाई एक्सपर्ट के क्या तासुरात हैं, एक्सपर्ट के काम करने का तरीका कैसा है। आवाज सही आ रही है आप लोगों को? तो उस एक्सपर्ट के काम करने का क्या तरीका है, किस तरीके की वो रिपोर्टें देता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस किस तरह का है, टाइमली काम कंक्लूड कर लेता है कि नहीं करता, सर ये सब बातें आप किसी और से भी पता कर सकते हैं। एक, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखूंगा, मैं उस एक्सपर्ट से बात कर लूंगा, मैं किसी और से पता कर लूंगा जिसने उस एक्सपर्ट के साथ काम किया हो, ठीक है। नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी और इंडस्ट्री एसोसिएशन। भाई आईकैप का मेंबर है, ठीक है, तो आईकैप के साथ एसोसिएटेड है। अगर कोई वैल्यूअर है, ठीक है, तो पाकिस्तान वैल्यूअर एसोसिएशन है, उसका मेंबर होगा। सर एक्चुअरियल एसोसिएशन है, उसका मेंबर होगा। सर इस तरह किसी ना किसी बॉडी से उसकी एसोसिएशन होनी चाहिए, या कोई क्वालिफिकेशन होगी, कोई लाइसेंस होगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज बॉडी कि वो काम इन एक्चुअल वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। फर्ज करो अगर सर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं, मैं कहूं कि यार मैं रिपोर्ट साइन कर सकता हूं, ऑडिट रिपोर्ट, तो आप मुझसे सबसे पहले क्या मांगोगे? सर आईकैप की मेंबरशिप का एविडेंस मांगोगे, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट का लाइसेंस मांगोगे, मांगोगे नहीं मांगोगे? उसके बाद आपको क्या भरोसा हो जाएगा, हाँ भाई ये ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकते हैं, ऐसा ही है जी भाई? ऐसी बात है कि नहीं है? पब्लिश बुक्स एंड पेपर्स रिटन बाय दैट एक्सपर्ट। सर उस एक्सपर्ट ने कोई और किताबें लिखी होंगी, कोई क्वालिफिकेशन उसकी होगी वो आपने देख ली। सर कोई आर्टिकल्स होंगे अखबारों में वो आप देख लेना। सर उसकी कोई बुक्स होंगी वो आप रीड कर लेना। सर फिर ऑडिटर एक्सपर्ट इफ एनी हु असिस्ट द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिगार्ड्स टू इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। सर आप अपने ऑडिटर एक्सपर्ट से पूछ लेना, आपने जो अपना एक्सपर्ट अपॉइंट किया है, आइजा 610, 600 किसी 20 में स्टैंडर्ड है, कि भाई आपने उसके तहत अगर एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, तो आप अपने एक्सपर्ट से पूछ लेना। बात समझ में आ रही है जी भाई? क्लियर है सबको? क्लियर है भैया? ये बात ऐसी है, ये बात सही है, जैसे आप जाते हो रिश्ता लेने के लिए, ठीक है, लड़की वाले देखते हैं रिश्ता, अब लड़के का रिश्ता है तो क्या करेंगे भाई? पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। क्या एग्जाम्पल होगी इसमें, ये भाई
हमारा खुद का ताल्लुक उस लड़के से कैसा है, लड़की के घर वालों का, तो भाई अगर कोई कजन है तो वो तो बहुत आराम से जो है ना वो हो जाएगा, क्योंकि बचपन से शंकर हम तुमको पाला हूँ वो वाली बात आ जाती है कि बचपन से देखा है हमारे सामने, ठीक है, इसके अब्बू भी हम जानते हैं, इसकी अम्मा को भी हम जानते हैं अच्छी तरीके से, तो कोई मसला ही नहीं होगा, ऐसा ही है जी भाई। फिर नंबर टू पे आ जाओ, डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट। अब कर लो डिस्कशन विद दैट लड़का या डिस्कशन विद दैट लड़की, तो होता है ना भाई दो घर वाले आपस में मिलते हैं और फिर लड़के वाले जो है ना वो लड़की से बात करते हैं, लड़की वाले लड़के से बात करते हैं और देखते हैं भाई के बात करने में कैसा है, उठने बैठने में कैसा है, और हम अपने घर वालों से मिलवा भी सकते हैं उसको, नहीं मिल मतलब फैमिली पर्सन है कि नहीं है, वैल्यू करता है नहीं करता है रिश्तों को, इस तरह की बातें वो जज करते हैं ना। मकसद क्या होता है आपका भाई, शादी करवाना मकसद होता है, तो आप उसी नजर से देखते हो उस एक्सपर्ट को, उसी लड़के को उसी लड़की को, कि भाई चल जाएगा हमारे साथ, रहेगा हमारे खानदान में, फिट हो जाएगा कि नहीं, वो लड़का खानदानी है कि नहीं है। डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट। भाई फर्ज करो कि रिश्ता नहीं हो रहा था, रिश्ता नहीं हो रहा था, अब लड़के वालों ने क्या किया, लड़के वालों ने ये किया भाई हमारे लड़के का तो रिश्ता होता ही नहीं है कहीं पे, तो एक कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, ठीक है, जो होती है ना आंटियां रिश्ता करवाने वाली आंटियां, उनको अप्रोच किया कि भाई आप हमारे लड़के का रिश्ता करवा दो, ठीक है, आप हमारे लड़के का रिश्ता करवा दो। अब उन्होंने किसी और घर का रेफरेंस दिया कि भाई यहाँ पर है, इन्होंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, तो आपका तो लड़की वालों से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है ही नहीं, लेकिन वो जो एक्सपर्ट है, वो जो एक्सपर्ट है या वो जो आंटी है, वो जो खातून है, वो आपकी बहुत अच्छी जो है ना वो खानदान की कह लें कि आप फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने आपको बता दिया कि भाई ये लोग कैसे हैं, हु आर फेमिलियर विद दैट फैमिली, नॉलेज ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। फर्ज करो कि यार कोई जो है ना वो किसी बरादरी में किसी की शादी हो रही है, ठीक है, लाइक मेमन की शादी मेमनों में हो रही है, तो उन्होंने पता कर लिया भाई कौन सी मेमन कौन सी मेमनी जमात है, लाइक गोरा जी है, ओखाई है, बाटम आया, एंड सो ऑन, तो आपने पता कर लिया भाई कौन सी एसोसिएशन है, वहां पर जाके आपने पता कर लिया भाई ये कैसे हैं लोग, मकसद क्या है, रिश्ता करवाना, ठीक है। फिर एंड में आ जाओ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, भाई आपने अपना एक्सपर्ट अपॉइंट किया जो कि आपको उसके मुताबिक एविडेंस लेके देगा, वो रिश्ते करवाने वाली आंटी, आपने एक्सपर्ट मैरिज कंसल्टेंट को अपॉइंट कर लिया कि भाई अब आप हमें बताओ कि ये लड़के वाले या लड़की वाले कैसे हैं। बात समझ में आ रही है सर, मकसद सिर्फ इतना है, मकसद सिर्फ इतना है, आपने अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए ये सारे प्रोसीजर आपको स्टैंडर्ड ने सजेस्ट किए हैं कि आप कर सकते हो। सर मैंने इसको आपके पर्सनल लाइफ से या आपके किसी जानने वाले की सिचुएशन से कनेक्ट कर दिया ताकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सको। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जी भाई बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? सर होनी चाहिए ना, सर होनी चाहिए, आप एग्जाम्पल ही आपने ऐसी दी, हमारे दिल के जो है ना वो तार आपने छेड़ दिए जब आपने शादी की बात की, सर यहाँ तो हमारा कैफ ही नहीं निकल रहा, तो हम शादी के बारे में सर क्या ही सोचें, है ना। सर हमारा कैफ निकलवा दो सर, उम्र निकली जा रही है हमारी, जी भाई भाई चलो भाई आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। मैटर रेलेवेंट टू इवेल्युएटिंग द कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इंक्लूड वेदर दैट एक्सपर्ट्स वर्क इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और अदर प्रोफेशनल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल एथिकल स्टैंडर्ड और मेंबरशिप रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, इंडस्ट्री एसोसिएशन, अक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड ऑफ लाइसेंसिंग बॉडी, ये वो ये क्या किसी इसकी इन एक्चुअल ना एक्सप्लेनेशन है उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। ये ऊपर वाली की क्या बेटा, एक्सटेंशन है, एक्सप्लेनेशन समरी एक तरह से आप ले लो।
फिर आप आ जाओ नीचे। अब ब्रॉड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस में थ्रेटन ऑब्जेक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। किस किस को ये पता है बेटा? ये सारे थ्रेट कहाँ पर हैं? कोड ऑफ एथिक्स में। सेल्फ इंटरेस्ट, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, सेल्फ रिव्यू, इंटिमिडेशन, ये सारे कहाँ हैं बेटा? कोड ऑफ एथिक्स। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब एक्सपर्ट का खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो उस कंपनी के अंदर। लाइक एक्सपर्ट क्या हो, उसका शेयर होल्डर हो कंपनी का, पीएसओ का शेयर होल्डर है, तो वो क्या चाहेगा? सर इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, इन्वेंट्री गेन जितने होंगे उतना अच्छा मुझे डिविडेंड मिलेगा, कंपनी का ईपीएस उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी कंपनी की शेयर प्राइस होगी। एडवोकेसी थ्रेट, सर वो वकालत कर ले कंपनी की, ठीक है, बाइसनेस आ जाए चीजों में। फैमिलियरिटी थ्रेट, भाई वो जानता है उसका पर्सनल रिलेशनशिप है उस कंपनी के सीएफओ के साथ, उस कंपनी के सीईओ के साथ। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक्सपर्ट ने ही वैल्यूएशन की है और एक्सपर्ट ही उस काम को भी वापस से वैलिडेट कर रहा है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब मैंने खुद कोई काम किया और मैं खुद ही उसी काम पे ओपिनियन भी दे रहा हूँ या उसी काम को वैलिडेट कर रहा हूँ। इंटिमिडेशन थ्रेट सर धमकी, एक्सपर्ट को धमकियां मिल रही है मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई अगर तुमने वैल्यूएशन सर्टेन अमाउंट से ज्यादा नहीं रखी ना तो हम तुम्हें आगे काम नहीं देंगे, और जो तीन काम आगे तुम्हारे रुके हैं वो भी नहीं देंगे, और इस काम की हम तुम्हें पेमेंट भी टाइमली बेसिस पे नहीं करेंगे। इंटिमिडेशन थ्रेट धमकी, सेफगार्ड्स में रिड्यूस सच थ्रेट एंड मे बी क्रिएटेड आइदर बाय एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, प्रोफेशन लेजिस्लेशन और रेगुलेशन, और बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क एनवायरमेंट। कि भाई अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट किसी प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट है तो उस प्रोफेशनल बॉडी में कोई कोड ऑफ एथिक्स होगा, कोई एथिकल गाइडलाइंस होगी, जिसके तहत एक्सपर्ट इन किसी भी थ्रेट को इवेल्युएट करेगा और इसको अपने काम पे असरअंदाज नहीं होने देगा। तो भाई स्टैंडर्ड ने कहा आप उन चीजों को इवेल्युएट कर लो, या फिर अगर एक्सपर्ट किसी कंपनी का पार्ट है, किसी फर्म का पार्ट है, तो सर वो फर्म के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होंगे, उनकी गाइडलाइंस होगी सर, उनके तहत हो सकता है कि एक्सपर्ट इस तरफ माइल ना हो कि वो इतना बड़ा स्टेप कोई ले सके कि भाई अपनी इंडिपेंडेंस को ही क्या करे, ऑब्जेक्टिविटी को क्या करे, इंपेयर कर दे, ठीक है। ऑल्दो सेफगार्ड्स कैन नॉट एलिमिनेट ऑल थ्रेट्स टू अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ऑब्जेक्टिविटी, सच थ्रेट सच एज इंटिमिडेशन थ्रेट मे बी ऑफ लेस सिग्निफिकेंट टू एन एक्सपर्ट एंगेज बाय एंटिटी देन टू एन एक्सपर्ट एम्प्लॉयड बाय एंटिटी। अब देखो यहां पर इंटिमिडेशन थ्रेट आ रहा है, ये कह रहे हैं इंटिमिडेशन थ्रेट जो है ना, धमकी वाला जो एलिमेंट है वो एक्सपर्ट पे कम अपॉइंट होगा, कम लागू होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपका एक्सपर्ट इंटरनल है, मतलब एम्प्लॉयड है, तो आप उसको बोलोगे भाई इतनी वैल्यूशन दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। सर एक एक्सपर्ट वो है जो कॉन्ट्रैक्ट पे मैनेजमेंट ने रखा है, ये थोड़ा सा सेफ है इसके मुकाबले में, इंटरनल के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि भाई अगर इसको आप धमकी दोगे कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा, तो बोलेगा कर दो भाई कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास 10 और कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए, और भी काम मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं तो किसी भी कंपनी के साथ असाइन हो जाऊंगा, अपनी रोजी रोटी कमा लूंगा। सर जो बंदा एम्प्लॉय है कंपनी का, जो बंदा कंपनी का एम्प्लॉय है सर, उसकी इंडिपेंडेंस हमेशा खतरे में रहती है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी हमेशा खतरे में रहती है। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर क्लासिक एग्जाम्पल है इंटरनल ऑडिटर, या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी इंप्लॉयड बाय द एंटिटी है सर, उसकी भी ऑब्जेक्टिविटी के खतरे हैं, उसकी भी इंडिपेंडेंस के खतरे हैं। सही है भाई? अभी मैंने एक सवाल दिया था ना, उसके अंदर इंटरनल ऑडिटर का भी तस्करा आ रहा था क्विज में, अगर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया तो जाके देख ले भाई। ऑडिटर एक्सपर्ट रखता है, लेकिन वो एक्सपर्ट एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। सर ऑडिटर तो खुद ही एक एक्सपर्ट है ना अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, सही है। अगर वैल्यूएशन के लिए वो किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है, तो वो जिम्मेदारी फिर भी ऑडिटर की होती है।
ठीक है, ये जब हम ऑडिटर एक्सपर्ट का जब चैप्टर हम कवर करेंगे तो उसके अंदर और चीजें हम डिटेल में देख लेंगे। व्हेन इवेल्युएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट एंगेज्ड बाय द एंटिटी इट मे बी रेलेवेंट टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड दैट एक्सपर्ट एनी इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप दैट मे क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी एंड एनी एप्लीकेबल सेफगार्ड्स इंक्लूड एनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू एंड टू इवेल्युएट वेदर द सेफगार्ड्स आर एडिक्वेट इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप क्रिएटिंग थ्रेट में इंक्लूड फाइनेंशियल इंटरेस्ट बिजनेस एंड पर्सनल प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज। सर आप जब एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट कर लोगे कर रहे होगे तो आपने यहाँ पर देखा है कि आप उससे बात करोगे, आप उससे डिस्कस करोगे चीजें। सर आप जब उससे चीजें डिस्कस करोगे ना तो भैया ये भी डिस्कस कर लेना कि क्या एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी किसी थ्रेट की वजह से इंपेयर तो नहीं हो रही है। सर वो क्या चीजें आ सकती हैं, आप उससे कुछ चीजें पूछोगे कि भाई तुम्हारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है कंपनी के अंदर, तुम्हारा या तुम्हारी इमीडिएट फैमिली का कोई डायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, तुमने शेयर तो नहीं लिए हुए, तुमने लोन तो नहीं लिया हुआ, तुमने कोई कंपनसेशन तो नहीं लिया हुआ किसी भी तरह का, सर तुम्हें कोई एम्प्लॉयमेंट के आसरे तो नहीं दिए हुए कंपनी ने, सर कोई बिजनेस रिलेशनशिप कोई पर्सनल रिलेशनशिप मामू ताया बीवी भाई कोई इस तरह के लोग तो नहीं है कंपनी के अंदर, कोई और सर्विसेज तो तुम नहीं दे रहे कंपनी को अंदर कंपनी को जिससे तुम्हें ठीक ठाक रेवेन्यू और ये साइड इनकम के लिए कंपनी ने क्या किया तुम्हें एक्सपर्ट का काम भी दे दिया। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? जी भाई बात क्लियर हो रही है आपको? चले जी बस ये हो गई एक्सपर्ट वाली बातें, ये हो गई एक्सपर्ट वाली बातें जहां पे हमने लास्ट क्लास को रोका था। अच्छा भाई ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था ना आपको, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट जी जी बेटा, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्लियर था ना सबको? रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस वाली चीजें एग्जामिनर टेस्ट करता है किन चीजों में सबसे ज्यादा कि भाई कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करो, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करो तो उसके अंदर आती है कि सर आप एट द एंड ऑफ द डे देखते हो क्या क्या मुझे ऑडिट एविडेंस जो मिला वो रिलायबल है कि नहीं है, लाइक इंडिपेंडेंट सोर्स से मिला हो, थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिसीव रिटर्न ओरिजिनल और इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हों जिसपे जो इंटरनली जनरेटेड इंफॉर्मेशन हो उस पर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए। मैं बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी सर अब बात करते हैं ऑडिट एविडेंस की, ऑडिट प्रोसीजर की, ठीक है आप आ जाते हैं ड्राफ्टिंग के लिए। ठीक सर ये भी एक नुस्खा है, ठीक है ऑडिट रिस्क की जिस तरह से हमने ड्राफ्टिंग की थी कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर्स की भी ड्राफ्टिंग सीख रहे होंगे। ये भी एक नुस्खा है, जिस तरह ऑडिट रिस्क एक नुस्खा था उसी तरह प्रोसीजर्स की ड्राफ्टिंग भी एक नुस्खा है, ठीक है। इस नुस्खे को आपने तबीयत से आराम से इस्तेमाल करना है, जरूरी नहीं है आप सिचुएशन में 100% नुस्खा अप्लाई कर दें, कहीं कहीं आपने सर फ्रॉड क्लास अपलोड नहीं है तो मैंने कब कहा कि फ्रॉड की ड्राफ्टिंग क्लास अपलोडेड है? व्हेन डिड आई से बेटा, मैंने तो नहीं कहा, ठीक है फ्रॉड का लेक्चर अपलोड किया हुआ मैंने और मटेरियलिटी भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो प्रोसेसिंग में जैसी प्रोसेस हो जाता है तो आप लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है।
ओके, नहीं वो ड्राफ्टिंग वाला मैंने आपको सवाल लाजमी जरूर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेक्चर भी दूंगा आपको और उसके बाद लेक्चर बाद में आएगा, उसका लेक्चर बाद में आएगा, ठीक है। कोशिश करना है कि आप किस लेवल पे भी स्टैंड कर रहे हो तो उसके हिसाब से फिर आपको चीजें बताई जाएंगी ना। ठीक है, तो सवाल अटेम्प्ट कर लिया सबने, क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट कर लिया बोला। जी प्रोसेस में सही है भाई, प्रोसेस में चलो है। अच्छा तो असर्शंस की बात करते हैं, कौन कौन सी असर्शन है जल्दी बताओ, सारी असर्शन तुम लोग बताओगे। खेती खेती जी भाई, एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन और अकरेंस, किसकी बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की पूछिए बेटा। और कंप्लीटनेस जी, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और पीएनएल की अकरेंस तो एक आ गई है, और डिस्क्लोजर भी ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पीएनडी एंड पीएनएल एक्यूरेसी जबरदस्त, और कट ऑफ और जी भैया विच असर्शन, कंप्लीटनेस और वही प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, वही प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेटा। आप लोग पिछली क्लासेस जो है ना वो सही तरीके से रिवाइज किया करो, ठीक है। चले जी, तो भैया आपने क्या करना है, इन अजर्शंस के अगेंस्ट प्रोसीजर्स करना है, क्योंकि रिस्क है एग्जिस्टेंस का, रिस्क है वैल्यूएशन का, रिस्क है कंप्लीटनेस का, तो आपने उसके अगेंस्ट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। सर प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए ऑडिट एविडेंस ना, ऑडिट एविडेंस होता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सर सफिशिएंसी रिलेटेड टू क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस रिलेटेड टू क्वालिटी, क्वांटिटी रिलेटेड टू रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एंड क्वालिटी, क्वांटिटी में क्वालिटी में क्या चीजें आती हैं। अच्छा रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस में जी, रेलेवेंस में अजर्शन अंडर कंसिडरेशन और डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, रिलायबिलिटी में थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिसीव रिटर्न, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे इंप्लीमेंट हुए हो, और ओरिजिनल, ऐसा ही है, यही क्वालिटीज हैं ऑडिट एविडेंस की। अच्छा अब अगर मैं बोलूं पहला रिस्क उठाते हैं एग्जिस्टेंस का,
एग्जिस्टेंस का रिस्क ड्राफ्ट करके दो मुझे, एग्जिस्टेंस का रिस्क ड्राफ्ट करके दो मुझे जी, पीपीई की एग्जिस्टेंस का रिस्क ड्राफ्ट करके दो, रिस्क ऑफ पीपीई एग्जिस्टेंस, रिस्क ऑफ पीपीई एग्जिस्टेंस ड्राफ्ट करके दो जल्दी से। छेती मेरा भाई, छेती मेरा भाई, पीपीई का रिस्क मुझे ड्राफ्ट करके दो ना। जी भाई, पीपी का रिस्क है एग्जिस्टेंस का, ठीक है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेंशन नहीं करते क्योंकि देखो वो मिसस्टेटमेंट अकर्स आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ठीक है, फ्रॉड और एरर से मिसस्टेटमेंट हो सकती है, देर इज अ रिस्क दैट रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस, देर इज अ रिस्क दैट पीपी माइ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या रिस्क ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ पीपीई एज एसेट माइट नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, ठीक है, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपीई एज द एसेट माइट नॉट एग्जिस्ट फिजिकल, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, ओवर वैल्यूएशन क्यों, ओवर स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ओवर वैल्यूएशन भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैंने आपको ड्राफ्टिंग के लिए एक चीज बता दी थी, कोई इशू नहीं है, आप ओवर वैल्यूएशन भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसी एग्जाम में मार्क नहीं काटेगा आपके, ठीक है, आप इसकी जगह मिस स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, मिस स्टेटमेंट का मतलब ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन, बात क्लियर है, अच्छा भाई अब हमने लिखना है प्रोसीजर, अब आ जाओ प्रोसीजर, ठीक है, मैं प्रोसीजर लिख रहा हूं, आप लोग देखोगे सर,
अच्छा भाई, दिस इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है भाई? रिस्क क्या था कि एसेट एग्जिस्ट नहीं करता, एसेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैनेजमेंट ने आपको दिया फिक्स एसेट रजिस्टर। ठीक है, मैनेजमेंट ने दिया आपको फिक्स एसेट रजिस्टर। इसके अंदर बहुत सारे एसेट आ रहे थे, एसेट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपने क्या किया, सैंपल सेलेक्ट किया 5, 3, 1, और आपने क्या किया, इनकी जाके फिजिकल एग्जिस्टेंस देख ली। सर एक सवाल है, एक सवाल है सर, सवाल यह है कि मैंने फिजिकली देख के एफएआर रजिस्टर में ट्रेस क्यों नहीं किया? जी सर, एक सवाल है, वो सवाल यह है कि मैंने फिजिकली एग्जिस्टेंस एसेट जो मौजूद थे सर, वहां से सैंपल सिलेक्ट करके मैंने फिक्स एसेट रजिस्टर में ट्रेस बैक क्यों नहीं किया? मैंने सैंपल फिक्स एसेट रजिस्टर से क्यों उठाया और फिर जाके का फिजिकली मैंने ऐसा काम क्यों किया, कौन बताएगा? जबरदस्त, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दो जवाब आए, बड़े जबरदस्त जवाब आए। जवाब आया है क्योंकि मैनेजमेंट का दावा है, क्योंकि मैनेजमेंट का दावा है। दावा क्या है कि ये सारे एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट ने उन सारे एसेट की लिस्टिंग कहीं ना कहीं दी होगी, और मैनेजमेंट दावा कर रही है कि सारे सारे एसेट एग्जिस्ट करते हैं। सर मैंने कुछ नहीं करना, मैंने मैनेजमेंट के दावे को वेरीफाई करना है, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने मैनेजमेंट के दावे को वेरीफाई करना है, एसेट सच्ची में कि नहीं, ये देखना है। जबरदस्त कंप्लीटनेस है, वो कंप्लीटनेस की है कि जो मैं फिजिकली जाके एसेट को सिलेक्ट करता हूँ और फिक्स एसेट रजिस्टर में देखता हूँ कि भाई क्या ये एसेट कंप्लीट है भी कि नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट की अजम्पशन है कि ये कंप्लीट है। सही है, बात समझ में आ रही है? जी भाई, बहुत जबरदस्त जवाब। मैं सैंपल सिलेक्ट करूंगा फिक्स एसेट रजिस्टर से, जितने भी बच्चे ये रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि फिक्स एसेट रजिस्टर से सैंपल सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि मैनेजमेंट ने एक डॉक्यूमेंट मुझे बना के दिया और मैनेजमेंट ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, यहाँ से कंप्लीट है कि जितने एसेट आने चाहिए वो सारे एसेट यहाँ पर रिकॉग्नाइज है। मैंने सर कुछ नहीं करना, मैनेजमेंट के इस दावे को मैंने टेस्ट कर लेना है, मैंने फिक्स एसेट रजिस्टर को टेस्ट कर लेना है, तो मेरा सैंपल भी कहाँ से सेलेक्ट होगा? फ्रॉम पीपीई रजिस्टर, फ्रॉम पीपीई रजिस्टर। सर ये जो मैंने सैंपल सिलेक्ट किया ना, ये जो मैंने सैंपल सिलेक्ट किया ना, सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर, सर ये और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये क्या है सर? डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग सर, ये डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग वाली बात हो गई सर, ये डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग वाली बात हो गई। फिर मैंने आगे क्या किया, फिर मैंने आगे क्या किया, एंड फिजिकली इंस्पेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ पीपीई, फिजिकली एग्जिस्टेंस को चेक किया मैंने जाके पीपीई को। तो सर मैंने क्या किया, सर मैंने इंस्पेक्ट किया, सर मैंने इंस्पेक्ट किया, सर इंस्पेक्ट क्या है? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर में से एक प्रोसीजर है सर, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, सारी बातें याद आ रही है ना बेटा? ये सारे के सारे क्या थे? प्रोसीजर थे सर। मैंने उसके अंदर से एक प्रोसीजर सेलेक्ट कर लिया जो कि यहाँ पर फिट बैठ रहा था सर, मैंने वो प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया। बात क्लियर हो रही है? जी, आवाज क्लियर आ रही है? मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी, अब आवाज क्लियर है? जी
अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ सर। मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो मैंने प्रोसीजर्स बनाए इधर, ये जो मैंने प्रोसीजर्स लिखे, सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम पीपीई रजिस्टर, ये मुझे क्या चीज बता रही थी? डायरेक्ट टेस्टिंग, जहां पर मैनेजमेंट का दावा है मेरी डायरेक्शन भी वहीं पे जाएगी, ऐसा ही है? जहां पर मैनेजमेंट का दावा है मेरी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग भी वहीं पे जाएगी, एंड फिजिकली इंस्पेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ पीपीई। तो सर इंस्पेक्ट करना एक ऑडिट प्रोसीजर है, जो मैंने ऑडिट प्रोसीजर पढ़ा है, एग्जिस्टेंस को चेक किया इंस्पेक्शन से, इंस्पेक्शन क्या है सर? कौन कौन सा ऑडिट प्रोसीजर हमने देखे थे जी? कौन कौन प्रोसीजर देखे थे? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस। बात क्लियर हो रही है सर? ये प्रोसीजर्स थे, मैंने उसके अंदर से एक प्रोसीजर सेलेक्ट किया इंस्पेक्शन का। सर मैंने चेक की एग्जिस्टेंस, ये क्या है? अजर्शन अंडर कंसिडरेशन, अजर्शन अंडर कंसिडरेशन सर ये। तो सर इसका मतलब, इसका रिलायबिलिटी, तो सर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया मैंने ओवरऑल, डायरेक्टली ऑब्टेन, डायरेक्टली रिसीव, ओरिजिनल फॉर्म में देख लिया मैंने। तो सर क्या यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस की चीजें हो रही हैं? तो बेटा मैं नेट चेंज कर लेता हूँ अपना, ठीक है? जी भाई आप क्लियर है आवाज? आप क्लियर है? जबरदस्त हो गई है, चले जी। अच्छा अब मैं फिर से रिपीट करूं सर, रिपीट मैं ये कर रहा हूं फिर से, मैं आपको बता देता हूं कि सर मैंने एसेट्स को फिजिकली इंस्पेक्ट किया, ये एक ऑडिट प्रोसीजर। सर ये प्रोसीजर मैंने खुद परफॉर्म किया, सर ये प्रोसीजर मेरे लिए रिलायबल था क्योंकि मैंने खुद परफॉर्म किया, एविडेंस जो भी था मैंने डायरेक्टली ऑब्टेन किया, ओरिजिनल फॉर्म में मैंने एसेट की एग्जिस्टेंस को देख लिया है। सर एग्जिस्टेंस क्या थी? अजर्शन अंडर कंसिडरेशन, अजर्शन अंडर कंसिडरेशन। सर उस अजर्शन के अगेंस्ट यही प्रोसीजर बन रहा था, तो सर यहाँ पर अजर्शन अंडर कंसिडरेशन डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग में ऊपर देख चुका हूँ, सर रिलायबिलिटी वाले एलिमेंट भी यहाँ पर टिक हो रहे हैं, तो सर ओवरऑल मुझे क्वालिटी मिल गई, ओवरऑल क्वालिटी मुझे मिल गई। सर क्वांटिटी, सर क्वांटिटी, सर क्वांटिटी कहाँ से वेरीफाई हो रही है? सर क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से पूरी हो रही है? सर जो मैंने सैंपल सिलेक्ट किया, सर जो मैंने सैंपल सिलेक्ट किया ये क्या था? सर क्वांटिटी। सर ये सैंपल सिलेक्शन क्या थी? क्वांटिटी। जी भाई बात समझ में आ रही है? ये सैंपल सिलेक्शन क्या थी बेटा? क्वांटिटी। सर क्या ऑडिट एविडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर पूरी हो रही हैं? सर क्या सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस वाली चीजें यहां पर पूरी हो रही हैं? प्रोसीजर्स आगे ड्राफ्ट कर लो क्या खुद? सर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं,
कंपनी इन्वेस्ट हैविली इन पीपी इंक्लूडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ये रिस्क है, ये एक क्या कह लें, केस है, आपने इसका रिस्क बताना है, आपने इसका रिस्क ड्राफ्ट करना है। चले जी, आपने इसका रिस्क ड्राफ्ट करना है। चले जी, हमारे पास रिस्क आ चुके हैं और सही रिस्क जो है ना वो ड्राफ्ट हुए हैं। ये वाला जो रिस्क है जबरदस्त ड्राफ्ट है। देर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट वैल्यूएशन ऑफ पीपी एज एक्सपेंस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस में नॉट क्वालिफाई द कैपिटलाइजेशन एंड द कंपनी मे कैपिटलाइज देम एज पीपी एज पर आई सर्टिफिकेट, ठीक है। तो भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हैवी एक्सपेंसेस हो रहे हैं और रिस्क है कि कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट ना हुआ हो और वो क्या हो बेटा, कैपिटलाइज हो जाए, ठीक है। तो ये रिस्क है, हम इसको उधर ले आते हैं, ये रिस्क है।
अब इसके अगेंस्ट प्रोसीजर लिख के दो मुझे, इसके अगेंस्ट प्रोसीजर लिख के दो, ठीक है। उसके अंदर सारी चीजें कवर होनी चाहिए कि भाई डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या होगी, कौन सी अजर्शन है एंड ऑल, कम ऑन। हाँ
जी भाई, द ऑडिटर कैन टेक अ सैंपल फ्रॉम द इनवॉइसेस, चेक द इनवॉइसेस एंड नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर इन रिपेयर मेंटेनेंस एंड रिकैलकुलेट वैल्यूएशन अगेन एंड मैच विद द वर्किंग ऑफ द मैनेजमेंट। ऊपर क्या लिखा है भाई, कंपनी इन्वेस्ट हैविली इन पीपीई इंक्लूडिंग रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ पीपीई। ठीक है, रिस्क क्या था सर? रिस्क ये था कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपीई एज एक्सपेंसिस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस में नॉट क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कंपनी और मैनेजमेंट ने उसको कैपिटलाइज कर दिया सर। जब मैनेजमेंट ने इसको कैपिटलाइज कर दिया है, जब मैनेजमेंट ने इसको कैपिटलाइज कर दिया है, तो ये कैपिटलाइजेशन का अमाउंट कहां पे जाके गिरा होगा? इसका मतलब एंट्री बनी होगी पीपीई डेबिट कैश एंड बैंक क्रेडिट। फर्ज करो 1 लाख से ऐसी एंट्री बनी होगी जी। अच्छा, ऐसी एंट्री बनी होगी तो इसका मतलब सर रिपेयर मेंटेनेंस तो हिट हुआ ही नहीं होगा, तो मैं अपना सैंपल कहां से सिलेक्ट करूंगा? मैं सैंपल कहां से सिलेक्ट करूंगा? जी भाई, सैंपल कहां से सिलेक्ट करूंगा? सिंपल सा सवाल है यार, सैंपल कहां से सिलेक्ट करूंगा इसका? एक्सपेंसेस से सिलेक्ट करूंगा बेटा। यहां पर दिख रहा है आपको एक्सपेंसेस कहीं? इतना बड़ा डब्बा बनाया हुआ है पीपीई, जबरदस्त मैन। सैंपल कहां से सिलेक्ट करूंगा? सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम पीपीई रजिस्टर एंड प्रोसीजर कौन सा लगाऊं जी? एंड प्रोसीजर कौन सा लगाऊं? इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्ट, जबरदस्त। एंड इंस्पेक्ट, अब क्या इंस्पेक्ट करूं? अब क्या इंस्पेक्ट करूं? फिजिकल एग्जिस्टेंस देखूं? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखनी है मैंने। मैंने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखनी है कि भाई ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आना चाहिए था या फिर पीपी में कैपिटलाइज होना चाहिए था। सर मैं ओरिजिनल इनवॉइसेस निकालूंगा, वहां पे क्या होगी? डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही होगी। एंड इंस्पेक्ट ओरिजिनल इनवॉइसेस, फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। एंड चेक वेदर दे मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया
एज पर अच्छा आवाज ही नहीं आ रही थी यार, म्यूट था। तो भाई सैंपल कहाँ से सिलेक्ट किया मैंने? सैंपल कहाँ से सिलेक्ट करूंगा बेटा? मैं सैंपल सिलेक्ट करूंगा पीपी रजिस्टर से ना, मैं सैंपल सिलेक्ट करूंगा पीपी रजिस्टर से और इंस्पेक्ट करूंगा क्या और इतना इनवॉइसेस क्यों? क्योंकि सर मुझे चेक करना है कि क्या उसकी डिस्क्रिप्शन ये जस्टिफाई कर रही है नहीं कर रही है कि ये कैपिटलाइज होना चाहिए एक्सपेंस आउट होना चाहिए। तो सर मैं उसकी जाके डिस्क्रिप्शन चेक करूंगा और देखूंगा कि क्या वो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर कैपिटलाइजेशन मांग रहा है या फिर एक्सपेंस आउट मांग रहा है। बात समझ में आ रही है जी भाई? बात समझ में आ रही है सर? ये वैल्यूएशन का रिस्क है, ये किस चीज का रिस्क है? वैल्यूएशन का रिस्क है। तो मुझे नेचर ऑफ एक्सपेंस को देखना पड़ेगा। अब सर रिस्क है मेरे पास, रिस्क किस चीज का है मेरे पास? कंप्लीटनेस का। जी ये रिस्क है आपका सर, प्रोसीजर बताओ, प्रोसीजर क्या होगा? सर रिस्क जी ये ये है मैनेजमेंट ने पीपी रजिस्टर में रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैनेजमेंट ने फिक्स एसेट रजिस्टर में एसेट रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब बताओ प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर क्या प्रोसीजर करोगे अगेंस्ट दिस अजर्शन? बताओ भाई। सर अंडर स्टेटमेंट का भी रिश्ता, ओवर स्टेटमेंट का भी रिश्ता ना उसमें। वैल्यूएशन की बात करो ना, ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली दोनों रिश्ते बेटा। चलो छेती छेती जी, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो स्टैंड, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा रिस्क क्या है? मेरा रिस्क क्या है? देखो प्रोसीजर डिपेंड करेगा कि मैं अपने रिस्क को किस तरीके से ड्राफ्ट करता हूँ, ठीक है? मेरा मेरा जो रिस्क था ना, वो रिस्क ये था कि पीपी के अंदर एक वैल्यू रिकॉग्नाइज कर दी गई है जो कि एन एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आनी चाहिए थी। तो रिस्क हुआ ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपीई का, तो मेरा सैंपल सिलेक्ट हो गया पीपी रजिस्टर से। अब अगर मेरा रिस्क ये है ना कि फर्ज करो जो बंदा उधर बैठ के रिपेयर मेंटेनेंस को कैपिटलाइज करता है या एक्सपेंस आउट करता है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो अब मेरा रिस्क आ जाएगा दोनों तरफ कि भाई एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करता, मैं उसको कैपिटलाइज कर रहा हूँ, और एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है लेकिन मैं उसको एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ। तो एक रिस्क के अंदर एक प्रोसीजर में मैं सैंपल सिलेक्ट करूंगा पीपी रजिस्टर से एंड चेक वेदर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हैज बीन मेट और नॉट, और दूसरे में सैंपल सिलेक्ट करूंगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर से और फिर चेक करूंगा कि क्या वो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया तो मीट नहीं करता था। सर उससे मेरी किस चीज की अदर्शन हिट हो जाएगी? कंप्लीटनेस की। वहां से किस चीज की अदर्शन हिट हो रही थी? वैल्यूएशन की। बात समझ में आ रही है? जी अस्टैंड क्लियर है?
बेटा इनवॉइस पॉपुलेशन नहीं है ना आपकी, सैंपल सिलेक्ट करूंगा फिर इनवॉइस पे जाऊंगा ना मैं, उसको क्या बोल के निकालूं? देखो पीपी रजिस्टर से मैं सैंपल सिलेक्ट करूं या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस रजिस्टर से सैंपल सिलेक्ट करूं? सर अगर मैं पीपी रजिस्टर से सैंपल सिलेक्ट करता हूं तो उसके अंदर लिस्ट ऑफ एसेट्स आ रहे होंगे मेरे, ठीक है? मैं उसको कहूंगा कि भाई ये इस एसेट की मुझे इनवॉइस निकाल के दे दो, वो मुझे इनवॉइस दे देगा। सर अब चला जाऊं मैं पीपी रजिस्टर पे, तो पीपी रजिस्टर में क्या आ रहा होगा सर? जनरल एंट्रीज आ रही होंगी, वाउचर्स आ रहे होंगे, तो मैं वो वाउचर नंबर सिलेक्ट करूंगा और मैं उसको दे दूंगा कि भाई इस वाउचर के डॉक्यूमेंट्स मुझे निकाल के दे दो। सर जब वो डॉक्यूमेंट निकाल के दे देगा तो उसके अंदर एंट्री भी आ रही होगी और उसके अंदर इनवॉइसें भी आ रही होंगी, उसके अंदर एग्रीमेंट भी आ रहे होंगे, उसके अंदर पे ऑर्डर भी आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं डायरेक्टली इनवॉइस से सैंपल सेलेक्ट नहीं करता, मैं सैंपल सेलेक्ट करता हूं जीएल से। या किसी रजिस्टर से? तो सर इनवॉइस रजिस्टर मेंटेन नहीं होता। ठीक है, रिस्क दैट मैनेजमेंट माइट नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड द पीपी इन फिक्स्ड रजिस्टर। आप बताओ सैंपल कहां से सिलेक्ट करूं? जी जबरदस्त। अब सैंपल सिलेक्ट करूंगा मैं एक्सपेंस से कि भाई पीपी रजिस्टर में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया हुआ, पीपी रजिस्टर में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया हुआ, रिस्क है कि उसको एक्सपेंस आउट कर दिया हो। अब मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एक्सपेंडिचर एंड 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 इंस्पेक्ट फिजिकल, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर एंड इंस्पेक्ट इनवॉइसेस टू चेक टू चेक नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। यहां से आपकी बात हसन, ये वाली बात यहां से कम्युनिकेट हो गई, ठीक है? कि मैं सैंपल सिलेक्ट करूंगा कहां से? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर से। वहां से सैंपल सिलेक्ट किया, इनवॉइसेस ऑब्टेन की, इनवॉइसेस ऑब्टेन करके क्या चेक किया कि भाई उसका नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या था, क्या उसको एक्सपेंस आउट होना चाहिए था, क्या उसको कैपिटलाइज होना चाहिए था। सर मैंने ये चेक किया। सर मैं और क्या कर सकता हूँ? सर मैं सैंपल बेसिस पे फिजिकल एसेट्स देख सकता हूं और उसको ट्रेस कर सकता हूं कहां पर? पीपी रजिस्टर में। बात समझ में आ रही है? जी भाई बात क्लियर हो रही है? बात सर यहाँ पर 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, टाइम हो रहा है इस वक्त 3:30, ठीक है? हम क्लास को रिज्यूम करेंगे डॉट 3:45 पे, ठीक है जी? डॉट 3:45 पे हम क्लास को रिज्यूम करेंगे।
जी बच्चों वापस आ गए सब ब्रेक से। हाँ चले जी बिल्कुल चले जी आपका ये लेक्चर भी अपलोड हो गया है 320 मटेरियलिटी का। चल तुम बाकायदा जो है अपने ऑडिट प्रोसीजर्स जो है ना स्टार्ट कर देते हैं। एक जो है ना वो जबरदस्त डॉक्यूमेंट एक बना हुआ है ऑडिट प्रोसीजर्स पे, ठीक है? तो वहीं से चीजों को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं। अच्छा जी सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर या पीपी के बारे में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, ठीक है? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चीजों का। पहली चीज आती है अदर्शन। ऑडिट प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं वो अगेंस्ट सर्टेन अदर्शंस होते हैं। कोई ना कोई जाहिर सी बात है अदर्शन होती है जिसके अगेंस्ट रिस्क अराइज होता है और उसके अगेंस्ट हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टेंस, तो सिलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर एंड कैरी आउट फिजिकल इंस्पेक्शन, ठीक है? ये प्रोसीजर हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कंप्लीटनेस के बारे में। तो कंप्लीटनेस का भी हम देख चुके हैं, सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिजिकल एसेट्स एंड ट्रेस देम बैक टू फिक्स एसेट रजिस्टर, ये इंश्योर करने के लिए क्या वो फिक्स एसेट रजिस्टर जो हमें प्रोवाइड किया गया वो इटसेल्फ कंप्लीट है कि नहीं है। नंबर टू, सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर लेजर एंड चेक वेदर दे वर करेक्टली एक्सपेंस आउट, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर लेजर, बात क्लियर हो रही है? नंबर टू, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिक्स्ड एसेट रजिस्टर एंड एग्जामिन या इंस्पेक्ट
रिलेटेड इनवॉइसेस टू कंफर्म टाइटल। अब आपने ये देखना क्या है, डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो तो डॉक्यूमेंट आप क्यों देख रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है डॉक्यूमेंट देखने का? क्योंकि सर मैंने राइट्स को वेरीफाई करना है, तो इसके लिए इनवॉइस में सबसे पहले चीज में क्या देखूंगा सर, टाइटल देखूंगा। अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो लीज डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके लीज एग्रीमेंट्स होंगे। अगर मोटिव व्हीकल है तो रजिस्ट्रेशन बुक होगी उसकी। एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वैल्यूअर का सर्टिफिकेट होगा। सर वैल्यूअर का सर्टिफिकेट, वैल्यूअर ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट यहाँ पर इस जगह पर इन्वॉल्व हो सकता है। सर अगर मैं कोई डिस्पोजल्स कर रहा हूँ या मैं कोई एसेट्स को अपने बेच रहा हूँ, सर क्या प्रोसीजर करूंगा? ऑब्टेन डिटेल ऑफ एसेट डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर। सर एक पॉपुलेशन आ गई मेरे पास, इसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन, जिसमें सारा डेटा होता है, ऑल डेटा। अगर मैं बात करूं डिस्पोजल्स की, डेटा की, तो वो डिस्पोजल की पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन, ठीक है? चेक वेदर एडिक्वेट अप्रूवल्स वर ऑब्टेन, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम डिस्पोजल रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट गेट चलान। भाई कोई भी एसेट अगर डिस्पोज होना होता है तो एक नोट है, एक डॉक्यूमेंट है, गेट पास के नाम से, ठीक है? जब तक ये गेट पास नहीं बना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड गेट पे बैठा होता है, आप कोई प्रिंटर लेके जा रहे हैं ऑफिस का, ठीक है? आप ऑफिस का प्रिंटर लेके जा रहे हैं, तो गेट वाला आपको गेट से बाहर निकलने नहीं देगा जब तक कि वो उसका गेट पास ना देख ले। गेट पास किसी ना किसी से ऑथोराइज होता है कंपनी के अंदर। रिव्यू अमाउंट ऑफ गेन लॉस डिस्पोजल ऑन एंड परफॉर्म रिकैलकुलेशन। भाई जाहिर सी बात है कि एसेट की होती है कॉस्ट, 100 रुपए का एसेट लिया, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की 20 रुपए, गेन कितने का आया, 80 रुपए का। भाई अब ये गेन सही है कि नहीं है, मुझे रिकैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो मैं इसकी गेन की रिकैलकुलेशन, जो 80 रुपए का गेन आया है, इसको मैं रिकैलकुलेट कर लूंगा। सर कॉस्ट मेरी ऑलरेडी वेरीफाई हो चुकी होगी इनवाइसिस से। सर डेप्रिसिएशन में रिकैलकुलेट कर लूंगा, डेप्रिसिएशन में रिकैलकुलेट कर लूंगा, तो 80 रुपए का जो गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है वो मेरा ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। जी भाई वेरीफाई हो जाएगा मेरा ऑटोमेटिकली। सर ट्रेस डिस्पोजल प्रोसीड्स इन बैंक स्टेटमेंट। भाई बैंक स्टेटमेंट में आपकी डिस्पोजल प्रोसीड्स आ गई हैं नहीं आ गई हैं? फर्ज करो आपने एक एसेट डिस्पोज ऑफ किया, आपने एक एसेट डिस्पोज ऑफ किया, तो क्रेडिट क्या होगा, पीपीई और गेन ऑन डिस्पोजल, ऐसे ही है? फर्ज करो पीपीई के ऊपर नेट बुक वैल्यू क्या थी, 80 रुपए, गेन ऑन डिस्पोजल 20 रुपए। सर या तो मेरे पास ये रिसीवेबल होगा या मेरे पास ये बैंक में पैसा आ गया होगा, ये एंट्री होगी। सर फर्ज करो अगर रिसीवेबल है तो बाद में मेरा बैंक डेबिट हुआ है और रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है, कितने से? सर अगर ये 100 है तो ये 100 से डेबिट, 100 से क्रेडिट। बात क्लियर हो रही है? जी भाई क्लियर हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्पोजल का पैसा अगर बैंक में आ गया तो वो मैं जाके बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर लूंगा। सर अब आ जाओ एडिशंस पे। ऑब्टेन डिटेल ऑफ एडिशंस ड्यूरिंग द एडिशंस टू पीपी ड्यूरिंग द ईयर। चेक वेदर एडिक्वेट अप्रूवल्स वर ऑब्टेन ऑन अ सैंपल बेसिस, ऑब्वियसली ट्रेस विद परचेज इनवॉइसेस। इन सब के मैं क्या करूंगा, ऑन अ सैंपल बेसिस। ऑन अ सैंपल बेसिस मैं इन चीजों को जाके वेरीफाई करूंगा। सर आ जाइए नंबर टू पे, अजर्शन आती है मेरे पास वैल्यूएशन की, अजम्पशन आती है मेरे पास किस चीज की बेटा, वैल्यूएशन की। अब मुझे यहां पर एक बात बताओ, अब मुझे यहां पर एक बात बताओ सर, एक पीपी है, ये वाला पीपी है, ठीक है? इसकी कॉस्ट आ रही है, इसकी डेप्रिसिएशन आ रही है, इसमें रिवैल्यूएशन आता है,
और इसमें इम्पेयरमेंट आता है, ऐसा ही है जी भाई, ऐसा है सर। ये सब कंपोनेंट्स किसको अफेक्ट करते हैं? मेरी वैल्यूएशन को। तो सर अगर मैं वैल्यूएशन के अजर्शन के अगेंस्ट प्रोसीजर्स लिख रहा हूंगा तो मुझे इन चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। सर बात कर लेते हैं कॉस्ट की, तो मैंने कॉस्ट की तो बात कर दी कि भाई डिटेल ले लो, इनवॉइसेस देख लो, तो तुम्हें कॉस्ट भी पता लग जाएगी उस एसेट की। सर अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। सर वैल्यूएशन में सबसे पहले बात करो डेप्रिसिएशन की। सर डेप्रिसिएशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं जी भाई? अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगी यहां पर? छेती छेती एस्टिमेट्स, एस्टिमेट तो है ना ऑब्वियसली। सर यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ क्या है? सर ये एक एस्टिमेट है। सर डेप्रिसिएशन रेट, रेजिडुअल वैल्यू, जबरदस्त। सर मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों पे काम करूंगा, मैं चेक करूंगा, चेक वेदर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज अप्रोप्रिएट। नंबर टू, नंबर टू सर डेप्रिसिएशन का जो रेट है क्या चीज देख के डिटरमाइन होता है, जल्दी से बताओ सर डेप्रिसिएशन का रेट क्या चीज देख के डिटरमाइन होता है? या डेप्रिसिएशन की जो मेथोडोलॉजी है, यूजेज, पैटर्न ऑफ यूजेज, बहुत जबरदस्त। असेस वेदर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट्स पैटर्न ऑफ एसेट यूजेज। क्या बात क्लियर हो रही है यहां तक जी? क्लियर हो रही है सर? फिर मुझे बताओ, फिर मुझे बताओ अगली क्या चीज आती है, अगली क्या चीज आती है? सर जी भाई, अगली क्या चीज आ गई? रीवैल्यूएशन। आरवी, आरवी क्या है? रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ यूजेज। बेटा आप बात करो, आपने बात की यहां पर अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएटनेस की। सर लैपटॉप है, ठीक है, एक लैपटॉप है। आप मुझे बताओ लैपटॉप की यूजफुल लाइफ ज्यादा होगी या फिर एक बिल्डिंग की? दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम साइड्स पे एग्जांपल दे रहा हूं, लैपटॉप की यूजफुल लाइफ ज्यादा होगी या बिल्डिंग की? बिल्डिंग की। क्यों? क्योंकि सर उसका पैटर्न ऑफ यूजेज जिस तरह का है, उसके अंदर मटेरियल इस तरह का लगता है कि उसकी डेप्रिसिएशन स्लो पेस पे होती है। अब सर दूसरी तरफ आ जाओ लैपटॉप की, दूसरी तरफ बात कर लो कंप्यूटर इक्विपमेंट्स की। सर इंडस्ट्री के अंदर जो नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट यूज हो रहा है ना, सर बिल्डिंग के लिए कितना हो रहा है? 1% से 5%। कंप्यूटर्स 33.33%। सर 3 साल में फुली डेप्रिशिएट, 3 साल में फुली डेप्रिशिएट। तो सर एसेट की नेचर और उसका पैटर्न ऑफ यूजेज देखना पड़ता है डेप्रिसिएशन रेट को डिटरमाइन करने के लिए। क्या यहां तक बात क्लियर है?
सर आज से 3 साल पहले, आज से 10 साल, आज से 3 साल बाद, आज से 10 साल बाद मैं असेस कर रहा हूँ कि इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, या मैं मार्केट में अगर बेचने जाऊंगा आज से इतने साल बाद तो ये एसेट कितने का बिकेगा मार्केट में। तो सर इसकी असेसमेंट, सर ओवरऑल डेप्रिसिएशन हो गई, परफॉर्म रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जी भाई क्लियर है, बात क्लियर है यहाँ पे? ये किसके प्रोसीजर थे बेटा? ये थे प्रोसीजर डेप्रिसिएशन के। ठीक ये थे प्रोसीजर्स डेप्रिसिएशन के। अब क्या है, अब आ जाओ रिवैल्यूएशन। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन। सर रिवैल्यूएशन में क्या होता है? सर एक प्रॉपर्टी होती है, बिल्डिंग होती है, ये उसकी खिड़कियां हैं बहुत सारी, ठीक है, ये फ्लोर्स हैं और ये गेट है बिल्डिंग का, ये रोड है, ठीक है, खूबसूरत सा बना दिया, यहाँ पे गाड़ियां भी खड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्डिंग है भाई, इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन करानी है, तो वैल्यूएशन कौन करता है बेटा? वैल्यूअर करता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट करता है। सर जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट करता है तो वो क्या इश्यू करता है? सर वैल्यूअर रिपोर्ट। वैल्यूअर रिपोर्ट इश्यू करता है तो सर आप क्या करोगे? ऑब्टेन वैल्यूअर रिपोर्ट। सर वैल्यूअर रिपोर्ट आप ऑब्टेन कर लोगे, फिर इस वैल्यूअर की बेस पे लेट से कि बुक वैल्यू है इस एसेट की 100 मिलियन और वैल्यूएशन हुई है इसकी 230 मिलियन पे, तो बैलेंस शीट पे कौन सा अमाउंट आ रहा होगा? जी भाई 100 या 230? रिवैल्यूएशन मॉडल है सर, बैलेंस शीट पे 230 मिलियन का अमाउंट आ रहा होगा, तो सर आपने मैच कर लेना है, मैच अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद वैल्यू रिपोर्ट। सर वैल्यू रिपोर्ट के साथ आपने क्या करना है? मैच कर लेना है कि भाई जो वैल्यू रिपोर्ट के अंदर अमाउंट आ रहा है वही अमाउंट मेरी बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है सर? IAS 16 आपसे कहता है, IAS 16 आपसे कहता है कि सर अगर कोई एसेट मेरा ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यू हुआ है तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि उस क्लास ऑफ एसेट्स के तमाम एसेट क्या हो, रीवैल्यू हो। मेरे पास सर 10 बिल्डिंग है, इस तरह की 10 बिल्डिंग है, मैं सर एक बिल्डिंग को, दो बिल्डिंग को, तीन बिल्डिंग को रीवैल्यू नहीं कर सकता, मुझे सारी की सारी बिल्डिंग्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सर मुझे सारी की सारी बिल्डिंग्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा, तो इंश्योर दैट ऑल क्लास ऑफ एसेट्स, ऑल एसेट्स इन दैट क्लास हैव बीन रीवैल्यूड। के सर वो पूरी की पूरी क्लास ऑफ एसेट क्या हो, रीवैल्यू हुई हो, ठीक है, इंश्योर दैट ऑल एसेट ऑफ सिमिलर क्लास आर रीवैल्यूड। फिर सर ये मुझे रिपोर्ट किसने दी है बेटा? मुझे वैल्यूएशन की रिपोर्ट किसने दी है? जी मुझे ये वैल्यूएशन की रिपोर्ट किसने दी है? एक्सपर्ट ने। कौन से एक्सपर्ट ने?
मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने मुझे ये वैल्यूएशन दी है सर, थोड़ी देर पहले पढ़ा था सर। एक्सपर्ट के प्रोसीजर बता दो, एक्सपर्ट के प्रोसीजर बता दो। नंबर चार, इवैल्यूएट, क्या क्या चीजें इवैल्यूएट करूंगा? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। नंबर पांच, एक और प्रोसीजर सर, एक्सपर्ट के काम की भी अंडरस्टैंडिंग लेता हूं मैं। ऑप्टेन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, इंश्योरिंग सर वही वाली चीजें ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं, इंश्योरिंग एक्सपर्ट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स आर रीजनेबल। नंबर टू, अजम्पशंस यूज बाय द एक्सपर्ट आर अप्रोप्रिएट। नंबर थ्री, डेटा यूज इन डिटरमाइनिंग द वैल्यूएशन इज कंप्लीट। सर वो डेटा पूरा है, एक्यूरेट एंड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस। बात समझ में आ रही है जी भाई? सर एक छोटा सा सिनेरियो दे सकता है कैप आपको और कहे कि ये एक्सपर्ट पे आप प्रोसीजर बता दें, या आप बता दें कि आप ऑडिट एविडेंस किस तरह से लेंगे, या आप वैल्यूएशन को किस तरह से वेरीफाई करेंगे। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे जी? सर एग्जाम में सेपरेटली भी सवाल आ सकता है कि आप इसके ऊपर एविडेंस किस तरह से लेंगे, हाउ वुड यू वेरीफाई। सर आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे? तो आप क्या बोलोगे कि सर एक्सपर्ट से बात कर लेंगे, जबरदस्त, खुद बात कर लेंगे, किसी और ने अगर एक्सपर्ट का काम यूज किया हम उससे बात कर लेंगे, सर उसकी टेक्निकल अक्रेडिटेशन चेक कर लेंगे, उसके लाइसेंसेस रिव्यू कर लेंगे, उसकी एसोसिएशन चेक कर लेंगे, सर अपने एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करेंगे और उससे चेक करवा लेंगे जी भाई। क्लियर है? लिख लोगे ना एग्जाम में ये सवाल आए तो? सर बिल्कुल रट्टे वाली चीज है, अभी जी जी कर रहे हो, जब एग्जाम में आता है ना तो फिर रट्टा लगाना पड़ेगा इसका, लेकिन दिमाग के साथ रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा फिर इसको, ठीक है? अभी रट्टा लगा लोगे लेकिन एग्जाम में दिमाग के साथ रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। सर अगली चीज पे आ जाओ, वैल्यूएशन में अगली चीज क्या थी?
सर ये भी हो गया, अब रह गया इम्पेयरमेंट। आ जाओ भाई। अब आ जाओ इम्पेयरमेंट पे। इम्पेयरमेंट पे क्या करेंगे भाई, किस स्टैंडर्ड के तहत इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज होती है ये बता दो मुझे। किस स्टैंडर्ड के तहत इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज होती है? IS 36। जबरदस्त। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि यार इम्पेयरमेंट को रिकग्नाइज करने के लिए एक प्रोसेस होता है पूरा, मैनेजमेंट काम करती है ना, प्रोसेस होता है, वैल्यूएशन उसके अंदर होती है, कैश फ्लोज बनते हैं, डिस्काउंट रेट लगता है, डिस्काउंटिंग होती है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है, फिर बताया जाता है कि भाई इंपेयरमेंट है कि नहीं है। तो सर इस प्रोसेस की आप अंडरस्टैंडिंग ले लो क्या? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग एस्टिमेटिंग एंड रिकग्निशन ऑफ इंपेयरमेंट एंड रिकग्निशन ऑफ इंपेयरमेंट इन पीपीई एज पर IAS 36। मैनेजमेंट इंपेयरमेंट किस तरह से आइडेंटिफाई कर रही है, एस्टिमेट कर रही है और रिकग्नाइज कर रही है एज पर IAS 36 के अगेंस्ट इंपेयरमेंट। ठीक है भाई, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लोगे? सर मैनेजमेंट प्रोसेस की आपने अंडरस्टैंडिंग ली तो आपने कंट्रोल्स को भी चेक करना पड़ेगा। टेस्ट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट ऑन इम्पेयरमेंट रिकग्निशन। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अभी हमने नहीं पढ़े, जब पढ़ेंगे और चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि भाई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या चीज होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या चीज होती है ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही ले लो कि यार मैनेजमेंट की आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो उस प्रोसेस की, और उस प्रोसेस को भी टेस्ट कर लेते हो कि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फॉलो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। करेक्ट है? नंबर 3, चेक वेदर अजम्पशंस यूज्ड इन डिटरमाइनिंग वैल्यू इन यूज इज अप्रोप्रिएट। भाई वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारी अजम्पशन शामिल होती हैं, कैश फ्लो बनाने हैं उसके अंदर भी एस्टिमेट्स होते हैं, कौन सा कैश फ्लो कब अराइज होगा, कितना कैश फ्लो होगा। सर डिस्काउंट रेट इटसेल्फ उसके अंदर बहुत बड़ी एक अजम्पशन होती है। ठीक है, एस्टिमेट होता है ना वो, तो सर क्या वो रीजनेबल है कि नहीं है। और सर जाहिर सी बात है वैल्यूएशन के पीछे कैश फ्लोज के पीछे डेटा इन्वॉल्व होता है बहुत सारा। सर क्या वो डेटा एक्यूरेट है, कंप्लीट है, रिलायबल सोर्सेस से आया है? जहां पे भी डेटा की बात होगी ना ये वाली लाइन फिट करना, चेक वेदर, चेक वेदर
डेटा यूज इज कंप्लीट एक्यूरेट, कंप्लीट एक्यूरेट एंड रिलायबल। नंबर पांच, रिकैलकुलेट इम्पेयरमेंट एज पर IAS 36। सर रिव्यू इम्पेयरमेंट वर्किंग एज पर IAS 36 और सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, रिव्यू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर IAS 16 एंड IAS 36। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है? जी भाई लिख लोगे ये प्रोसीजर्स? हैवी तो नहीं हो रहा है? हैवी हो रहा है? जनरल बातें बेटा, जनरल बातें नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक चीजें हैं। एग्जाम में हमेशा मार्क्स स्पेसिफिक चीजों के होते हैं, जनरल बातों के नहीं होते हैं। तो भाई ये डिटेल में आपको प्रोसीजर इसलिए बताया जा रहे हैं कि आपका वैल्यूएशन पे अगर इंपेयरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये प्रोसीजर्स मेंशन कर सको, आप ये प्रोसीजर्स बता सको। क्लियर है बेटा? जी कोई सवाल है यहां तक किसी का? यहां तक किसी का भी कोई सवाल है, बात कर सकते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बात कर सकते हैं आप। पक्का? यहां तक रखें आज की क्लास को? यहां तक रखें? सर तो मुझे पूछना है पिछले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूँ। बिल्कुल बिल्कुल पूछें। एक तो ये सवाल पूछना था सर, एक पास पेपर में सवाल आया था कि फर्म का अगर कोई पार्टनर अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कंपनी एक्ट की प्रोविजन की वजह से, पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। देखो फर्म जो अपॉइंट होती है ना, वो अपने नाम से अपॉइंट होती है, तो अगर कोई पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, अगर कोई पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया तो फर्म का कोई और पार्टनर साइन कर सकता है उसको। पूरी फर्म तो डिस्क्वालीफाई नहीं हुई ना? सर वो दरअसल मैंने आंसर की ड्राफ्टिंग देखी थी तो उसमें आंसर में उन्होंने यही लिखा था कि मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो गए, पूरी ऑडिट फर्म पूरी डिस्क्वालीफाई हो गई। ऑडिट फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई। अच्छा वो सिनेरियो फिर आप मुझे क्वेश्चन रेफर कर दो, मैं आपको देख के बता दूंगा उसमें। अच्छा सर एक और सवाल ये पूछना है कि कहीं पे वर्ड ऑडिटर यूज होता है, कहीं पे प्रैक्टिशनर यूज होता है, तो सर ये कोई स्पेसिफिक है कि ऑडिट ऑडिट एंगेजमेंट के साथ ही ऑडिटर का वर्ड यूज होगा और रिव्यू एंगेजमेंट के साथ प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज होगा? किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो ना, अगर आपका एंगेजमेंट लेटर ऑडिट का साइन हुआ हुआ है, असाइनमेंट आपका ऑडिट का है, तो वो आपका ऑडिटर कहलाएगा। लेकिन अगर वो बंदा आपका ऑडिटर नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है, लेकिन आप उससे काम करवा रहे हो, कोई भी और काम करवा रहे हो, किसी भी किस्म की अश्योरेंस ले रहे हो, तो वो बंदा कहलाएगा प्रैक्टिशनर। वो बंदा फिर ऑडिटर नहीं कहलाएगा, ऑडिटर वही कहलाएगा जिसको AGM के अंदर अपॉइंट किया गया हो, जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करे। ठीक है सर। वो हमने एक एग्जम्पशन पढ़ी थी कि 1 मिलियन से छोटी कंपनी होगी तो उसके लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मतलब फिर वो किसी से भी करवा ले? सर वो तो किसी से भी करवा ले, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, वो आपसे भी करवा सकता है। ठीक हाँ, दरअसल उसने किसी MBA वाले को भेज दिया था। है,
तो मैंने कहा ना वो आपसे भी करवा सकता है, तो वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, क्योंकि रेगुलेटर आपको पकड़ेगा नहीं उस पर, क्योंकि अकाउंट सबमिट भी नहीं करवाने, वो तो आप अपने लिए करवा रहे हो ऑडिट। ठीक है सर, वो रिव्यू एंगेजमेंट के जो हमने कंटेंट पढ़े थे ना, वो एंगेजमेंट लेटर के, उसमें एक लिखा हुआ है पॉइंट कि टू इन्फॉर्म द ऑडिटर अबाउट इवेंट अकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। तो ये कौन से इवेंट्स की बात हो रही है? इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट या इवेंट्स आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट? सर अगर रिपोर्ट दे दी है तो आफ्टर इवेंट का ऑडिटर क्या करेगा? क्या दे दिए? सॉरी, अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट अगर दे दी है तो फिर उसके बाद इवेंट का क्या होगा? अच्छा देखो, सब्सिक्वेंट रिपोर्ट इशू कर दिए, लेकिन कोई ऐसे इवेंट होते हैं लाइक कोई बहुत बड़ी लिटिगेशन चल रही थी, ठीक है, बहुत बड़ी लिटिगेशन चल रही थी, उसका केस का फैसला बाद में आ गया। अब मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू भी हो गई ना, तो ऑडिटर को अपडेट कर दे कि भाई ये एक लिटिगेशन चल रही थी जिसको हमने डिस्क्लोज किया हुआ था फाइनेंशियल्स में एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, अब कोर्ट का फैसला आ गया और हमें वो लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो अब आप ऑडिटर को इन्फॉर्म करते हो, फिर ऑडिटर आपसे डिस्कस करता है, क्या मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू की थी क्या वो रिवाइज होंगी नहीं होंगी? सर अगर वो रिवाइज होंगी तो इसका मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट भी इशू होगी, वापस से इशू होगी। सर अगर नहीं होंगी तो ऑडिट रिपोर्ट वापस से रीइशू नहीं होगी। सर ये सारी की सारी बातें डिस्कस होंगी ISA 560 के अंदर, सब्सिक्वेंट इवेंट के स्टैंडर्ड में। ठीक है सर, एक और सवाल ये था कि ऑडिट एंगेजमेंट रिव्यू का हमने वहाँ पे एक पढ़ा था, कुछ कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो रिक्वायरमेंट किसके लिए? हर लिस्टेड कंपनी के कंपनी लिए नहीं है? रिव्यू की हाफ ईयरली रिव्यू जो है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट है, और यह आपका कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन से। एंगेजमेंट जो है, एंगेजमेंट क्वालिटी का रिव्यू ये लिस्टेड कंपनी के साथ है? एंगेजमेंट क्वालिटी, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल की अपॉइंटमेंट लिस्टेड कंपनी के ऊपर और फर्म पॉलिसी के तहत अपॉइंट होता है, कंपनीज ठीक है। के ऊपर तो मेंडेटेड। अच्छा सर, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और अदर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? फाइनेंशियल, देखो लीगल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी हो सकता है आपका, ठीक है, जिसके तहत फॉर्म्स वगैरह आपके जाते हैं, SECP में फाइल होते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो जिसके तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाए। ठीक ठीक है सर, यही सारे सवाल पूछना था। है, तो माशाल्लाह बहुत कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, और बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे सवाल किसी ने पूछे, ठीक है। लेकिन आप ये काम कर लेना कि मुझसे वो जो केस है ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन वाला, वो केस स्पेसिफिकली क्वेश्चन के साथ आप शेयर कर लेना, देन आई विल बी एबल टू गिव यू एन एक्यूरेट आंसर कि उसका आंसर क्या होगा। अगर तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई तो पूरी फर्म वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग के अगर SECP किसी को ऑडिटर को डिस्क्वालीफाई कर रहा है, तो SECP अपनी जजमेंट में भी लिखता है कि भाई पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई है या सिर्फ वो एंगेजमेंट पार्टनर, अब वो साइन नहीं कर सकता। फर्ज करो एंगेजमेंट पार्टनर को कोई सजा हो जाती है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, तो सर फर्म का कोई दूसरा पार्टनर साइन कर लेगा। एज लॉन्ग एज फर्म ने ओवरऑल कोई ब्रीच ना किया हो तो फर्म डिस्क्वालीफाई नहीं होती। अपॉइंटमेंट चूंकि फर्म के नाम से होती है, फिर फर्म चेक करती है कि भाई किस पार्टनर को ये रिपोर्ट मैंने देनी है, किस पार्टनर को ये मैंने क्लाइंट असाइन करना है, ठीक है। और किसी और का कोई सवाल? ठीक हाँ सर, वो एक पॉइंट बार बार आ रहा था, डेटिंग द रिपोर्ट, ये पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर ऑडिटर ने डेटिंग द रिपोर्ट से पहले वो रिव्यू कराना सॉरी, है? वो जब हम क्वालिटी का रिव्यू करवाते हैं ना, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, तो उसमें लिखा हुआ था कि ऑडिटर रिपोर्ट साइन नहीं करेगा, या पता नहीं डेटिंग द रिपोर्ट नहीं करेगा जब तक वो रिपोर्ट पूरी नहीं हो। देखो रिक्वायरमेंट है ना ये, अब हो सकता है कि एंगेजमेंट पार्टनर पहले ऑडिट रिपोर्ट साइन कर ले और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है उससे रिव्यू ही ना किया हो ऑडिट फाइल को, ऑडिट रिपोर्ट को, तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर कर ले कि जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने अपना रिव्यू पूरा नहीं किया तब तक वो ऑडिट रिपोर्ट पे अपने साइन नहीं करेगा।
नॉट टू डेट इट्स ऑडिट रिपोर्ट बिफोर द EQR रिव्यू इज कंप्लीटेड। ठीक है भाई, डन ठीक है है? सर, डन। किसी और का कोई सवाल? तो सर, अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कोई कंपनी किसी ऑडिटर को एक्सेस ही क्यों करे? कर सकते हैं ना, पैसे नहीं है। फर्ज करें फर्म जो है वो लाख रुपए ले रही है, 1.5 लाख रुपए ले रही है। एक MBA वाला बंदा, BCom वाला बंदा 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में आपको ऑडिट कर देगा। ठीक है, तो जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है वो लोग तो करवा सकते हैं ना, उनको कोई मसला नहीं है। उनको सिर्फ अपने लिए चेक करवाना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है कि नहीं बनी, तो वो ऐसी ऑडिट करवा लेते हैं। उनकी चूंकि कोई स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, मैंने मटेरियलिटी ISA 320 का लेक्चर अपलोड कर दिया है। इंशाल्लाह ताला रात में या कल तक सैम्पलिंग का लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, तो आप लोग दोनों लेक्चर्स देख लेगा, क्योंकि जो हमारे मॉक होंगे उसके अंदर ये दोनों चैप्टर जो है वो शामिल होंगे। ठीक है, चले जी, यहाँ तक क्लास को रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।